पहाड़ी वटधामना की ज्वाइंट एक्शन कमेटी संगठन अन्याय के विरोध में और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर कई भ्रष्टाचारियों को सरकार के समक्ष ड्राइवरों के हित में काम करने वाली जैक संगठन एक विशेष रूप से कार्य करने पर तत्पर होकर भ्रष्टाचार एवं आरटीओ की फिरौती के विरोध में काम करने वाली है। ऐसा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल इन्होंने शनिवार को बैठक में कहा। शहर व जिले में पूरी तरह से आरटीओ सड़क पर तैनात की गई है, परंतु यह आरटीओ सिर्फ वसूली का कार्य कर रहे हैं। पूर्व आरटीओ गजानन करमाड़े पर भी ईडी की रेड पड़ चुकी है। जिस तरह ओवरलोड पर गाड़ी की जांच की जाती तो उनसे पैसों की वसूली की जाती है तथा बॉर्डर से गुजरने के लिए इनसे एक ठराविक रकम ड्राइवरों से आरटीओ द्वारा वसूली जाती है, जिस कारण से कई ड्राइवरों में डर का माहौल पैदा हुआ है। वैसी ही आर्थिक परिस्थिति से ड्राइवरों को करना पड़ता है। कई ड्राइवरों ने ट्रक से लदे अपनी जान गंवा दी है। आरटीओ को सड़क सुरक्षा के बारे में अभी सोचना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटना पर ध्यान देना अनिवार्य है। ऐसा भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा का कहना है। जैसे कि सड़क दुर्घटना बढ़ रही है, ड्राइवरों की मानसिक स्थिति जगह पर नहीं है। उसी साथ में आरटीओ ने सड़कों में काफी तकनीकी सुझाव लाकर अब दुर्घटनाओं को रोकने का काम करने की काफी आवश्यकता है, जिससे ड्राइवरों तथा अन्य नागरिकों को सुझाव में सफलता प्राप्त हो। ऐसे कार्य करने की काफी महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। इसी संदर्भ में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल इन्होंने आरटीओ द्वारा भ्रष्टाचार की कड़ी पोल नए साल में खोलने का आरटीओ नागपुर को चुनौती दी गई है। आरटीओ ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाए तथा ड्राइवरों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का आह्वान प्रहलाद अग्रवाल ने किया है। यदि नागपुर जिले में पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार नहीं रोका गया तो तीव्र आंदोलन आरटीओ के विरोध में किया जाएगा। ऐसा आश्वासन भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने किया है। जय हिंद जय भारत। मैं प्रहलाद अग्रवाल 78 ईयर रनिंग। मैं हमारे ट्रक भाइयों को, हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को, हमारे जो गाड़ी से संबंधित भाई हैं उनको सरकार की नज़र में वो लाएँ। जहाँ रोड ख़राब हो, जहाँ उनको ज़्यादा रोका जा रहा हो किसी भी चेक पोस्ट पे, और हमारे पुलिस वाले भाई जो रोड पे खड़े होके उनको हरस करते हैं, उनका वो करते हैं, तो उसको न करके सरकार को चाहिए कि वहाँ रोड पे गाड़ी अगर स्पीड से जाती है तो कोई इस तरह का वो फिक्स करे जिससे कि उसमें आ जाए। उसको लेके जो पुलिस वाले खड़े होते हैं या तो एंट्री मांगते हैं, अगर उनको एंट्री नहीं देते तो वो उसका फ़ोटो खींच के और उसको उसमें भेज देते हैं, तो उनसे जो उनका समय ख़राब होता है। तो आज रोड सेफ्टी, रोड का विशेष ध्यान रखा जाएगा और रोड पे जो गलत हो रहा है उसको रोका जाएगा, तो ही ये जितने भी एक्सीडेंट होते हैं और जो होते हैं वो सब तभी बंद हो सकते हैं। जबकि रोड नहीं ख़राब होना चाहिए, रोड पे कोई भी आरटीओ वगैरह गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए। इस तरह के जो हैं वो अगर सरकार से हम मिलेंगे और सरकार से ज्ञापन देंगे, उनको बताएंगे सर ये हो रहा है, इसको आप रोकिए, जिससे कि जो हम चाहते हैं कि रोड पे निर्विघ्न जो यातायात है चले। साथियों नमस्कार। जैसा कि आज के समय में आप देख रहे हैं कि रोड सेफ्टी नेशनल हाईवे के अंतर्गत बहुत अति आवश्यक हो चुकी है। आज नेशनल हाईवे के अंदर में तरह तरह के हर प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके शिकार आम नागरिक भी हो रहे हैं और भी लोग हो रहे हैं। इस रोड सेफ्टी को कार्य करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने भी इसका लिए लेटर जारी किया है। भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ में मिलकर रोड सेफ्टी के लिए कार्य करने जा रहे हैं हम लोग। और हम लोग सीधा संवाद आरटीओ चेक पोस्ट हो चाहे नेशनल हाईवे हो, वहाँ पर सभी प्रकार से अधिकारियों से संपर्क करेंगे और सीधा संवाद करेंगे कि आज जो ये रोड सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, लोगों को समय को बर्बाद करना। अगर लोगों के समय को बर्बाद ना किया जाए, उनके समय को उनको उचित रूप से रखा जाए, तो शायद कहीं न कहीं इस विषय में अपने को कहीं सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। इसी विषय को लेकर हम लोगों ने अभियान जारी किए हैं कि किसी ट्रक चालक मालक का कीमती समय बर्बाद ना किया जाए, उनके गाड़ी को गलत तरीके से ना रोका जाए,
रिश्वत वसूली के लिए उनको परेशान ना किया जाए, जिससे वो अपना सफर भय मुक्त कर सकते हैं। और भय मुक्त सफर जब करेंगे तो हमारी रोड सेफ्टी में बहुत बड़ा हमको एक सफलता मिलेगी। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोगों ने ये कार्य करने का संकल्प नए साल 2022 में करने में जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मार्गदर्शन में होगी। और प्रहलाद अग्रवाल जी इस विषय को लेकर सभी लोगों से चर्चा करने का विषय बनाया है, चाहे न्यूज वाले हों, अपने मीडिया वाले हों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का हम लोग सहारा लेंगे, साथ लेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।